नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी, मैं रेनू तिवारी। मुहर्रम इस्लामिक महीना है, इससे इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत में इस महीने को मनाया जाता है। इस महीने का जो 10वां दिन होता है, उस दिन इमाम हुसैन की शहादत और उनके बलिदान को याद करके मातम मनाया जाता है। इस दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं और रोजा रखने की भी परंपरा है। आइए जानते हैं कि मुहर्रम का क्या महत्व है और मुहर्रम के पीछे का इतिहास या उसके पीछे की क्या कहानी है। इस बार मुहर्रम का महीना 11 सितंबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस्लाम की रक्षा के लिए इमाम हुसैन ने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए मुहर्रम के 10वें दिन इसे शहादत के नाम से मनाया जाता है और इस दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इराक में एक यजीद नाम का जुल्मी शासक था, जिसका अल्लाह में कोई विश्वास नहीं था। वह इंसानियत के नाम पर दुश्मन था। वो चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद के नवाज से इमाम हुसैन उनके खेमे में शामिल हो जाएं, लेकिन इमाम हुसैन ऐसा नहीं किया और इसके चलते यजीद ने इमाम हुसैन सहित उनके पूरे परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। ये जो महीना था, जिस महीने में इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों की हत्या की गई, वो महीना था मुहर्रम का, और इसीलिए आज तक मुहर्रम के दिन एक मातम के रूप में मनाया जाता है। 10वें दिन, जिस दिन इमाम हुसैन की हत्या की गई थी, उस दिन जुलूस निकाला जाता है और जो मुस्लिम समुदाय है वो इस दिन अपनी सभी खुशियों का त्याग करता है। मुहर्रम में कर्बला का बहुत ही महत्व स्थान है। वर्तमान में कर्बला इराक का प्रमुख शहर माना जाता है, जो राजधानी बगदाद के 120 किलोमीटर दूर है। मक्का मदीना के बाद कर्बला मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख स्थान है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ साथ मुहर्रम को कर्बला पहुँचे थे। यजीद ने हुसैन को मजबूर करने के लिए 7 मुहर्रम को उनके लिए पानी बंद कर दिया। 9 मुहर्रम की रात को हुसैन ने रोशनी बुझा दी और कहने लगे, यजीद की सेना बहुत बड़ी है, उनके पास एक से एक बढ़कर हथियार हैं, ऐसे में बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने की इजाज़त देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब कुछ देर बाद फिर से रोशनी आ गई तो सभी के सभी साथी वहीं बैठे थे, कोई हुसैन को छोड़कर नहीं गया। 10 मुहर्रम की सुबह हुसैन ने नमाज पढ़ी, तभी यजीद की सेना ने तीरों की बारिश कर दी। सभी साथी हुसैन को घेर कर खड़े हो गए और नमाज पूरी करते रहे। इसके बाद दिन ढलने तक हुसैन के 72 लोग शहीद हो गए, जिनमें उनके 6 महीने का बेटा अली अगसर और 18 साल का बेटा अली अकबर भी शामिल था। बताया जाता है कि यजीद की ओर से पानी बंद किए जाने की वजह से हुसैन के लोगों का प्यास के मारे बुरा हाल हो गया था। प्यास की वजह से उनका सबसे छोटा बेटा अली असगर बेहोश हो गया। वह अपने बेटे को लेकर दरिया के पास गए। उन्होंने बादशाह की सेना से बच्चे के लिए पानी मांगा, जिसे अनसुना कर दिया गया। यजीद ने हुरलम नाम के शख्स को हुसैन के बेटे का कत्ल करने का फरमान दिया और देखते ही देखते उसने 3 नोक वाले तीर से बच्चे की गर्दन को लहूलुहान कर दिया। नन्हे बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद यजीद ने श्रिम नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन भी कटवा दी। कहते हैं कि हुसैन की गर्दन जब जमीन पर गिरी तो वह सजदे की अवस्था में थी। राशिद जी, सबसे पहले तो आपका प्रभा साक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। सुभानअल्लाह। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो इस्लाम का पाक महीना है मुहर्रम का, इसका इस्लाम के अंदर क्या महत्व है? इसका पहले सबसे पहले मोहब्बत है, और मोहब्बत में ही से हसन हुसैन का एक वो आखिरी मतलब उनका जो नवासे थे वो लास्ट में वही रह गए थे, और उनका लास्ट में मतलब उनको कह रहे हैं कि अब हम इनको वोट नहीं देंगे, मतलब कहना इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनका नाम हटा के किसी और को बना दो। बाकी उन्होंने अपने लाल नाना जान की आल पे अपनी जान कुर्बान सजदे में सर कटा दिया उन्होंने, और आज वही सिलसिला जो इनसे मोहब्बत करता है वही मतलब इस संसार में मतलब सही रास्ते को मतलब जा पाता है। जो इनसे मतलब अलग बच के चलेगा उसके लिए कोई वो नहीं है, कर्बला इसी का नाम है।
करबला की जंग जो आज ईरान में कही जाती है कि ईरान में वो करबला नाम का जो क्षेत्र है, करबला की जंग थी क्या, किस किस के बीच लड़ी गई थी, उसकी पूरी कहानी अगर आप की जबानी जानना चाहूँ तो क्या है करबला की जंग? इसमें बहुत लंबी कहानी है, बाकी उसको लंबी कहानी को ना कहते हुए ऐसा के जिसको के एक साहबी थे, मतलब उनके खुद के हमारे हुजूर के, और साहबी का जो शादी का मामला था, उन्होंने हुजूर ने कहा कि आप शादी कर लो, उन्होंने कहा कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरी तो सारी औलाद नालायक निकलेगी, मतलब मेरी बात नहीं सुनेगी। वही बात उन्होंने नहीं मानी, कहने लगे कि नहीं ये सुन्नत में बहुत ज़रूरी है, मतलब कहते हैं कि शरीयत में बहुत ज़रूरी है शादी करना। उन्होंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद में उनकी जो औलाद हुई सारी नालायक, उसी औलाद में से एक औलाद ऐसी हुई कि जो उनका सामना कर बैठी, जिनकी के वो गुलामी में रहते थे, उसी गुलामी में, मतलब उसको शहनशाही को उसका सामना कर लिया उन्होंने, और सामना करने के बाद में उसी ने पानी भी बंद करा, उसी ने सारे काम करे, और उसका मतलब लास्ट में यही है कि मतलब उन्होंने मतलब अपने आप को ना परवाह करते हुए अपने नाना की उम्मत पे अपनी जान लुटा दी, और आज उम्मत में ही मतलब जो देख रहे हो आज ये उम्मत का ही नतीजा है। बस इससे ज़्यादा मैं और आप मैडम आपको आप नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सैयद बाबा आप देख रहे हो हज़रत शेर मोहम्मद, ये सैयद नाम जो है हमारे हुजूर का नाम है, सैयद सिंह के नाम से उनका ख़ानदान है, उनकी आल में से हम एक उनके मतलब एक जैसे कहते ना कि मतलब अब उनको हम नहीं कह सकते कि हम उनके ख़ानदान में से हैं, उनके कैसे हैं, हमारे को उनके आयो आयाल में से हैं हम, जो उनकी आयो आयाल चली आ रही है वही खिदमत करता है, वही इन पर जान निछावर करता है, और वही सिलसिला हमेशा तक चलता रहेगा। तो ये जो मुहर्रम का महीना होता है वो मातम का महीना एक प्रकार से होता है। का तो ऐसा है कि मातम को दो रास्तों में अपनाया है, कि जैसे कि एक दुश्मन होता है और वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता कि मतलब कि मैं कैसे इनके साथ मिलूं अब, और उसका दिल का चाहता है कि मैं मिलूं इनसे, तो वो मातम करके वो आया है सामने। बाकी ये मातम नहीं है, वो ये एक ऐसा शोक का एक अपना, जैसे घर में एक मतलब मैयत हो जाती है उसका एक वो है, इमाम हुसैन की एक शहादत को याद किया जाता है, मतलब इस तरह से। बेशक सुभान अल्लाह, यही एक सिलसिला है, बाकी तो मतलब आपको देख रहे हो दुनिया में एक दूसरे से कोई खुश नहीं है। आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मुहर्रम पर हमारी खास पेशकश। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक जरूर पहुँचेंगे। फिलहाल मैं रेनू तिवारी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।